नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। रोहित शर्मा ने आईपीएल साल 2024 की 29वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए शतक जड़ा, लेकिन उनका शतक टीम को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जीत नहीं दिला सका। रोहित ने 63 गेंदों में 11 चौके 5 छक्कों की मदद से 105 रनों की पारी खेली। भले ही मुंबई जीत ना सकी, लेकिन हिटमैन के शतक ने फैंस का मनोरंजन खूब किया। ऐसे में फील्डिंग के दौरान भी फैंस को हंसने का मौका मिल गया जब रोहित शर्मा की पैंट उतर गई। इस दौरान वाइफ कृतिका को शर्मिंदगी का शिकार भी होना पड़ा। लाइव मैच में फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा की पैंट उतरी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट्स भी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान के साथ कैच की कोशिश के वक्त ये वाक्य आया हुआ। 12वें ओवर की 4थी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज ने लेग साइड की तरफ शॉट खेला। इसी तरफ रोहित शर्मा फील्डिंग कर रहे थे। गेंद को हवा में देख रोहित शर्मा कैच लपकने के लिए भागे, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद वो कैच तो नहीं पकड़ सके, लेकिन इस दौरान उनकी पैंट जरूर नीचे खिसक आई। रोहित शर्मा के इस मोए मोए मोमेंट्स पर वाइफ रितिका का रिएक्शन भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि रितिका एकदम से शर्मा जाती हैं, जो स्टैंड में बैठकर मैच देख रही थी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 रन पर बोर्ड लगाए। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बना डाले। ओपनिंग पर उतरे रोहित शर्मा के शतकीय पारी खेलते हुए 63 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए, लेकिन रोहित का यह शतक मुंबई को जीत की लाइन पर नहीं ला सका। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।